हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ चटपटा मिंटू फुचका पानी पूरी गोलगप्पा। इसका नाम लेते ही सबके जीभ में पानी आ जाती है और बहुत टेस्टी भी होता है। और मैं आज बताऊंगी कि ये हेल्दी भी होता है। ज़्यादा खाना हेल्दी तो नहीं है, हेल्दी भी होता है। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे और कैसे मैं बनाऊंगी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब भी हम लोग इसके बारे में अपने घर में बताते हैं कि मुझे ये फुचका खाना है, तो भी तभी हमारे जो पेरेंट्स है वो थोड़ा सा एंग्री हो जाते हैं। बिकॉज ये सेहत के लिए खराब होता है। सेहत के लिए तभी खराब होता है जब हम बाहर जाके इसे खाते हैं। और अभी तो सबको पता है कोरोना वायरस, हम लोग जितना तक सक रहे हैं बाहर को अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग बाहर से नहीं खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं। तो घर में जब खाना ही है तो कुछ थोड़ा चटपटा खाने का तो मन करता ही है। तो हम लोग आज गोलगप्पा खाएंगे, ठीक है। और मैं कैसे घर में बनाती हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं अपने स्पेशल गोलगप्पे को स्पेशल बनाने के लिए मैं क्या क्या देती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग भी बनाइए, खाइए, हेल्दी रहिए और टेस्टी खाइए। ओके, चलिए देखती हूँ मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और मैं क्या कैसे बनाती हूँ उसको, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा आप लोगों का नहीं जाएगा और ना ही आपको कुछ परेशानी होगी। बस आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है। इससे मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। आप कुछ सीख पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये गोलगप्पा का रेसिपी कैसा लगा। ओके, चलिए देखते हैं। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो सबसे पहले मैं पानी का बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्लेन नमक है ये, और यहाँ मैंने धनिया और जीरा को थोड़ा सा भून लिया है। और ये मेरा घर का ही तैयार किया हुआ मसाला है। और यहाँ पे मैंने ब्लैक सल्ट सल्ट लिया है, काला नमक। और यहाँ मैंने चाट मसाला लिया है, और ये मैंने जलजीरा पाउडर लिया है, ठीक है। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये रहा, ये मैंने मार्केट से खरीद के लाया है जलजीरा पाउडर। और ये मैंने सनराइज का चाट मसाला लिया है, आप लोग भी ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल होगा मार्केट में। और ये मैंने कैच का ब्लैक सॉल्ट लिया है। और उसके बाद अदर इंग्रेडिएंट्स है, मैंने बारीक कटी हुई प्याज लिया है, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती है। और यहाँ पे मैंने चना को रात में भिगो के रखा था, चना है। और ये मैंने पुदीना पत्ती है जो बारीक कटी हुई है। और ये मैंने कच्ची मिर्च लिया है, और इसको मैंने पानी में बॉईल कर दिया है, बॉईल करके रखा है। मैं सूखी मिर्च प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज हम लोग खाते ही नहीं है, ठीक है। और ये मैंने पाती नींबू लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके रखा है। और ये रहा पानी, और ये रहा गोलगप्पा तैयार किया हुआ है पूरा। सिर्फ मैं आप लोग को अब दिखाऊंगी कि ये सारा इंग्रेडिएंट बता दिया, अब मैं ये इसका जो पूर होगा वो कैसे मैं बनाती हूँ वो देखिए। और पानी में क्या क्या लगेगा, एक्चुअली सारे सारे इंग्रेडिएंट्स ही एक दूसरे में लगेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया और जीरा वाला पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके। काला नमक भी दूंगी, नॉर्मल जो नमक होता है वो भी दूंगी। थोड़ा आपको नमक समझ कर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो दो दो तरह का नमक है ही, और जलजीरा में भी एक अपना नमक का अलग स्वाद होता है, तो इसलिए समझ के देना है। मैंने इसमें जलजीरा पाउडर भी थोड़ा सा दे दिया। जलजीरा पाउडर है ना, वो हजम होता है हमारा। और थोड़ा सा चाट मसाला इसमें दूंगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये हो गया। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालूंगी, जितने हैं सारे डाल दूंगी इसमें मैं, बारीक कटी हुई प्याज, बस वो पानी में नहीं ज़रूरत होगी। धनिया की पत्ती मैं बारीक कटी हुई दूंगी इसमें, थोड़ी सी मैं पानी के लिए बचा के रखी हूँ। और ये रहा चना, मैं इसमें दूंगी।
ये कच्चा चना देने से इसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और ये रहा मिर्ची, मैं 3 मिर्ची इसमें डाल दूंगी। इसको हाथ से स्मैश कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें नींबू निचोड़ के डालूंगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये हो गया आलू का जो मैं चोखा बनाऊंगी, या फिर भरना बोल दीजिए, जो भी बोलिए आप, वो है। अब इसको स्मैश करना है, तब तक मैं पहले पानी का दिखा देती हूँ, पानी में क्या क्या डालना है। इसमें बचे हुए जितने भी मसाले हैं, ये रहा जो मैंने उसमें डाला था, ये सारे मैं डाल दूंगी उसमें। और जो धनिया की पत्ती रखा था मैंने, थोड़ा सा वो डाल दूंगी, इससे स्वाद एक अलग हो जाएगा। घर का खाएं और सेफ रहें, कोरोना वायरस तो हम सभी को पता ही है, तो घर में बनाकर खाना एक स्वाद भी अलग होता है और अच्छा भी होता है, फायदा भी है। ये रहा मिर्ची, मैं नींबू को पूरा निचोड़ दूंगी। जलजीरा में भी एक अपना खट्टापन होता है। ये रहा, थोड़ा सा मिला दूंगी इस तरह से। और अब ये इसको मिलाकर अच्छा से इस तरह से धीरे धीरे पूरा मिला लें। मिर्ची को हाथ से भी ये करके स्मैश कर दें, अच्छा से मिल जाएगा, वो टेस्टी होगा। बहुत सूखी मिर्ची में ही टेस्ट है, ऐसा नहीं है। आप लोग कच्ची वाली जो मिर्च है वो खा के देखिए, उसका भी स्वाद एक अपना अलग होता है और बहुत फ़ायदा है हमारे सेहत के लिए। ये देखिए सब कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट है। और मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा, मैंने सर्व किया है, देखिए कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, पानी पूरी, फुचका, गोलगप्पा, न जाने कितने नाम हैं। और इसको खाने से थोड़ी सी एनर्जी तो ज़रूर मिलती है और टेस्ट भी मिलता है, और घर में बनाएंगे तो वो हेल्दी भी हो जाएगी। ओके, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल रीता कुमारी सिंह को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। थैंक यू मेरे चैनल को इतना टाइम देने के लिए, मुझे इतना टाइम देने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और अच्छे अच्छे जो भी वीडियो होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।